हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को ऑड और इवन नंबर्स कैसे सिखाएं, बहुत ही इजी तरीका है। इवन नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं डिवाइडेड बाय टू। जो नंबर्स हमारे टू से इजीली डिवाइडेड हो जाते हैं वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स, और जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं, जिनमें कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाता है, वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। जो टू से इजीली डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स, और जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। तो हम अपने छोटे छोटे से बच्चों को, जिनको टू का टेबल भी नहीं आता है, उनको ये कैसे समझाएं कि ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। सो वेरी सिंपल है, और आप बच्चों को बहुत ही आसानी से खेल खेल में, प्यार प्यार में उनको सिखा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। सो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर्स जो है छोटे बच्चों के लिए ही, बड़े बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि छोटे नंबर्स ही हैं। तो नंबर 5 है। हमको बच्चों को क्या बताना है, वेरी सिंपल तरीका है। हमें बच्चों को बताना है टू का पेयर बनाना है। आपको टू का पेयर बनाना है, लाइक एक बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स में आप टू टू नंबर्स डालती जाइए। अगर कहीं पर भी वन लेफ्ट बचता है, एक बचता है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑड नंबर। तो 5 है, 1 2 का पेयर, 1 2 का पेयर, 1 1 2 3 4 5। तो 2 का पेयर 1 बन गया, 1 बन गया 2 का पेयर, इसमें बन गया एक नंबर, इसमें बच गया एक नंबर, हमारा यहाँ पे जो है रिमाइंडर रह गया। तो ये क्या है, ये 5 हो गया हमारा ऑड नंबर, 5 हो गया हमारा ऑड नंबर। और बच्चों को आप खेल में कैसे सिखा सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान है। आप सबके पास में जो है घर में इस तरीके से खेलने की चीज़ें तो रहती ही हैं, तो आप बच्चों को नंबर ये सब चीज़ें दीजिए सबसे पहले खेलने के लिए। तो आपके पास में नंबर है हमारा 5 1 2 3 4, हम 5 देंगे। अब हम बच्चे से कहेंगे इसका पेयर बनाइए। सो 1 पेयर बन गया, एंड यहाँ पर 2, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये 1 लेफ्ट रह गया, इसका कोई जोड़ी नहीं बनी। इट मीन्स ये जो हमारे 5 नंबर्स हैं ये हमारे ऑड नंबर हैं। अब नेक्स्ट ले लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्या है। नंबर 4 को हम, वेरी सिंपल है, नंबर 4 के लिए हमने ये ले लिया, एक हमने ये पेयर बनाया, एक हमने ये पेयर बनाया, इसमें कोई लेफ्ट बचा 1 नहीं। सो नंबर 4 जो है वो है हमारा इवन नंबर। नंबर 4 हमारा इवन नंबर है। ऐसे ही सेम नंबर 7 को भी हम ले लेते हैं। नंबर 7 के लिए भी हम बच्चों से बोलेंगे पेयर्स बनाओ। तो पहले इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारे 7 हो गए। अब इससे भी पूछेंगे बच्चों से हम कि इसके भी पेयर बनाइए। बच्चों ने बनाया 1 2 3 4 5 6, 1 ये लेफ्ट रह गया। तो नंबर 7 भी हमारा क्या हुआ, नंबर 7 भी हो गया हमारा ऑड नंबर। आप अगर इन सब चीज़ों से बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा बहुत आसानी से इसको सीख जाएगा। नंबर 7 भी हमारा हो गया ऑड नंबर, ठीक है। ये तो हो गया बहुत ही छोटे बच्चों के लिए, जिनको हम खेल खेल में इस तरीके से सिखा सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम कैसे समझाएं, उसको फिर हम बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि जो कि हमारे जो नंबर्स हमारे टू के टेबल में आते हैं या टू से इजीली डिवाइड हो जाते हैं, जो नंबर्स जो हमारे नंबर्स टू से डिवाइडेड हो जाते हैं, डिवाइडेड बाई टू ईजिली हो जाते हैं, वो हमारे होते हैं इवन नंबर्स, लाइक 2 4 6 8 also 10 और 0। हम इसको 0 भी पढ़ सकते हैं और इसको हम 10 भी पढ़ सकते हैं। ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं। और जो बचते हैं 1 3 5 7 और 9, वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स, ठीक है। अब इसको हम, जैसे कि हमारे पास में बड़ा ही नंबर हम ले लेते हैं, मेरे पास में है नंबर 87। इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है।
बच्चे को उतने नंबर तक डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि वो हर बार ही डिवाइड करे, या बच्चे को उतने पेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बना करके थक जाएगा या फिर उसकी नोटबुक जो है वो भर पेज जो है उसका वो भरता हुआ चला जाएगा। तो बच्चे को कुछ नहीं करना है, बच्चे को सिर्फ वंस के टाइम पे जो यहाँ वंस प्लेस पर क्या है उसको ध्यान रखना है। वंस प्लेस पर क्या है, सेवन है। सेवन हमारा कहाँ पर आ रहा है, सेवन आ रहा है हमारा यहाँ ऑड नंबर्स में, तो इट मींस हमारा 87 जो है हमारा ऑड नंबर है। अब इसको हम पता भी कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप इसको 2 से जो है डिवाइड करवा सकते हैं इजीली बच्चे को। 2 4 8 कट गया, उतार लिया हमने 7, 2 3 6 वन रिमाइंडर बचा। अगर हमारा रिमाइंडर बचता है इट मींस वो हमारा ऑड नंबर है। ऐसे ही एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर लिया 46। तो 6 क्या आ रहा है हमारा, 6 वंस के प्लेस पे 6 आ रहा है। 6 कहाँ है हमारा, इवन नंबर में है। 6 हमारा इवन नंबर में है, सो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। 2 के टेबल से इसको भी हम चेक करेंगे एक बार। 2 2 4 क्रॉस उतार लिया हमने 6, 2 3 6 3 में से 6 में से 6 क्या, ज़ीरो या क्रॉस आप कुछ भी लिख सकते हो। इट मींस ये हमारा इवन नंबर है। सो बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप बच्चों को समझाते हैं, आप खेल खेल में इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप बच्चों को जो है सिखा सकते हैं कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं, और आप जो है बच्चों को बहुत ही आसानी से बड़े नंबर्स को भी सिखा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।